नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेक नॉलेज में। और आज हम तीसरी न्यूमेरिकल को देखेंगे इस वीडियो में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल को शुरू करता हूँ। और रेफ्रिजरेंट इज ऑपरेटिंग ऑन सिंपल VCRS साइकिल। देखिए ये सिंपल VCRS साइकिल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सिंपल VCRS साइकिल एक ड्रॉ कर लीजिए, जैसे जैसे है वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आप ड्रॉ करते जाइए, आपके लिए आसानी होगा। वरना पूरा स्टेटमेंट पढ़ के ड्रॉ करिएगा तो सही नहीं रहेगा। ऐसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। VCRS साइकिल एंड हैज अ COP ऑफ 6.5, इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एट द ऑपरेटिंग कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड 69.55 केजी पर, मतलब किलो जूल पर केजी एंड 201.50 किलो जूल पर केजी रिस्पेक्टिवली। सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट वेपर लीविंग द इवापोरेटर हैविंग द इंथैल्पी ऑफ 187.53 किलो जूल पर केजी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट इज 0.6155 किलो जूल पर केजी केल्विन। फाइंड द कंडेंसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। यहाँ से आपका कंडेंसर के डिस्चार्ज का टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है। मानता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और आप ट्राई करिए पहले, और नहीं आया तो देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आपको सबसे पहले तो एक डायग्राम ये ड्रॉ कर लेना होगा, सिंपल VCRS साइकिल, ठीक है। सिंपल VCRS साइकिल ये हो गया आपका TS प्लॉट। मैंने आपको बताया भी था सिंपल किसको कहते हैं, सिंपल कहते हैं अगर सेचुरेशन वेपर से शुरू हो पॉइंट तो, ठीक है। कंप्रेसर का और कंडेंसर का जो इंड है वो लिक्विड पे खत्म हो तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल। ये हो गया आपका सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम 1 2 3 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपको, सीओपी का वैल्यू दिया गया है। सीओपी का वैल्यू कितना है 6.5, ठीक है। सीओपी का वैल्यू कितना है 6.5। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या है, यहाँ के पॉइंट को हम मान लीजिए 3' नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है हमको। इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एट द ऑपरेटिंग कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री, कंडेंसर का टेम्परेचर ये कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। और 35 डिग्री सेल्सियस पे आपको सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर का, देखिए सेचुरेटेड वेपर और सेचुरेटेड लिक्विड जो ये रेफ्रिजरेंट है उसका इंथैल्पी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे HF का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे HG का वैल्यू दिया गया है। और कितना कितना वैल्यू है, देखिए HF का वैल्यू कितना दिया गया है, HF का वैल्यू आपको दिया गया है, देखिए सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एट द ऑपरेटिंग कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर उसका कंडेंसर का। और यहाँ पर देखिए HF का वैल्यू कितना दिया गया है 69.55, ठीक है, किलो जूल पर केजी। और HG का वैल्यू कितना दिया गया है 201.50 किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सेचुरेटेड। अब देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, अब इसके आगे पढ़िए। सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट वेपर लीविंग द इवापोरेटर, यहाँ से सेचुरेटेड जो वेपर है वो लीव कर रहा है इवापोरेटर के एंड से, यानी कंडेंसर के स्टार्टिंग में सेचुरेटेड वेपर जा रहा है, क्योंकि हम बना ही चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि सिंपल VCRS साइकिल है। सिंपल VCRS साइकिल का मीनिंग ही होता है कि आपका जो कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग हो उसमें आपका सेचुरेटेड वेपर जाए और कंडेंसर के इंड में सेचुरेटेड लिक्विड हो, ठीक है। इस पॉइंट इस का मतलब आप समझिए, सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट वेपर लीविंग द इवापोरेटर हैविंग द इंथैल्पी ऑफ 187.53 किलो जूल। अब देखिए जो इवापोरेटर के इंड में जो आपका वेपर है सेचुरेटेड वेपर, ठीक है, H1, यानी कि यहाँ पे आपका H1 का वैल्यू दिया गया है, ये हो गया 187.53, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट, अब देखिए सीपी का वैल्यू आपको दिया गया है, सीपी कितना है, ये स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट कितना दिया गया है 0.6155, ठीक है, 0.6155। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर बताओ, कंडेंसर के इंड का टेम्परेचर यानी T2 आपको फाइंड करना है। T2 जरा दिमाग लगाइए, मैंने क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझा दिया, यहाँ का वैल्यू आपको दे के रखा गया है, सीपी
दे के रखा गया है, सीओपी दे के रखा गया। आप टी2 कैसे निकालोगे? ठीक है, टी2 कैसे आप निकालोगे? अगर आप फाइंड कर लिए तो आपको मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो चुका है। देखिए किसी तरह से आप कोशिश करिए कि H2 निकल जाए, क्योंकि अगर आपका H2 निकल गया तो आप T2 निकाल सकते हो। क्यों, कैसे निकाल सकते हो? तो देखिए ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू CpdT, ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू CpdT। अब देखिए कि यहाँ की वैल्यू आपको डेल्टा H क्या आ जाएगा, H2 माइनस H3 डैश, ठीक है, इक्वल टू CpdT। देखिए ये पॉजिटिव है, H2 बड़ा है, H2 बड़ा है H3 डैश से, तो ये भी पॉजिटिव होगा, Cp पॉजिटिव है, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 माइनस T3 डैश। ऐसे नहीं करके न्यूमेरिकल बनाइएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कहाँ फाइनल माइनस इनिशियल मत करिएगा। इधर पॉजिटिव तो इक्वल टू इधर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से H2 का वैल्यू निकल जाएगा। अब ये H2 निकल मतलब H2 बोल रहे हैं, मतलब अगर आपको यहाँ से देखिए T2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया T2। अब आप H2 नहीं दिया गया गया प्रॉब्लम में, ठीक है, H3 डैश दिया गया है, ठीक है, CP की वैल्यू दी गई है, T3 डैश की वैल्यू आपको पता है, T3 डैश कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, T3 डैश ये, ठीक है। तो यानी आपको इसमें H2 अननोन है, H2 अननोन है और T2 अननोन है, ठीक है, T2 अननोन है। अगर आप H2 फाइंड कर लेते हो कहीं से और इस इक्वेशन में पुट कर देते हो, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, तो आपको मिल जाएगा T2 का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ नोन है, बस आपका H2 यहाँ पे अननोन है, H2 और T2। अब हम किसी तरह से H2 को फाइंड करते हैं, तो देखिए H2 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में हिंट दे के रखा गया, COP दे के रखा गया है, तो COP इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क इनपुट। अब देखिए रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4, ठीक है, H1 माइनस H4, ठीक है, और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, ठीक है, वर्क इनपुट क्या हो गया, H2 माइनस H1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको H1 का वैल्यू दिया गया, देखिए यहाँ पे H1 का वैल्यू आपको दिया गया, H4 का वैल्यू आपको पता है, H4 का वैल्यू देखिए आपको पता होना चाहिए, H4 का वैल्यू जितना यहाँ होगा इंथैल्पी उतना ही यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ का वैल्यू आपको दिया गया था 69.55, तो H4 भी 69.55 होगा। अब देखिए या इसमें H2 का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, यही तो फाइंड करने के लिए आप COP का वाला एक्सप्रेशन लिखे हो, ठीक है, तो और H1 का वैल्यू आपको पता है, तो देखिए COP आपको पता है, COP कितना है 6.5, H1 कितना है आपका, H1 है आपका 187.53, यानी कि 187.53, ठीक है, 187.53 माइनस H4 का वैल्यू आपको पता है, H4 का वैल्यू 69.55, ठीक है, और H2 का वैल्यू नहीं पता है और H1 का वैल्यू आपको पता है 187.53। देखिए ये सारा वैल्यू आप निकाल लिए और यहाँ से देखिए H2 आप फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि सारा नोन H2 फाइंड। अब H2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, आप इक्वेशन 1 में पुट करिएगा तो आपको COP की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था, देखिए काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए वेपर कंप्रेशन से कैसे, ठीक है। दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो डेल्टा एच इक्वल टू CpdT, ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको ये डेल्टा एस इक्वल टू CpLn T by T saturation, ये याद रखना आपको, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, दो फॉर्मूले। अच्छा मैंने आपसे को बताया था पिछले वीडियो में, बोला था कि मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं आपको डिराइव कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता नहीं पाया था क्योंकि वो वीडियो लंबी हो गई थी। मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि डेल्टा एस इक्वल टू CpLn T by T saturation कैसे आता है। देखिए टी, देखिए ये हो गया टी और ये हो गया टी सेचुरेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, DQ/T, ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, DQ/T। अब DQ का वैल्यू क्या होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट दे रहे हो तो CpdT, मैंने आपको पिछले वीडियो में सब बताया था, अगर आप पिछले वीडियो से कॉरिलेट करिए, ठीक है, तो यानी कि डेल्टा एस को मैं DS लिख रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल के लिए, ठीक है, तो DS इक्वल टू DQ की जगह पे CpdT/T, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको भी इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे, तो देखिए ये DS का इंटीग्रेशन मान लीजिए S1 से S2 तक गए आप, तो क्या हो गया, H2 माइनस S1 इक्वल टू CP तो बाहर आ गया। अब ये देखिए DT/T
इसका क्या हो जाएगा, आप टेम्परेचर का लिमिट कर दीजिए टी वन से टी टू तक, मान लीजिए आपका है ठीक है, टी वन से टी टू तक है, तो देखिए एस टू माइनस एस वन इक्वल टू सी पी, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन होता है ठीक है, एल एन टी ठीक है, टी टू से टी वन तक, तो देखिए एस टू माइनस एस वन इक्वल टू सी पी एल एन टी टू बाय टी वन ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा डेल्टा एस इक्वल टू सी पी एल एन। अब ये देखिए ये आपका टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर होता है जो सुपर हीटेड टेम्परेचर रहता है ठीक है, सुपर हीटेड टी टू, देखिए ये टी टू ये सुपर हीटेड रहता है और ये रहता है आपका सेचुरेशन टेम्परेचर ये टी वन, टी वन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टी टू बाई टी सेचुरेशन ठीक है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दो फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू सी पी डी टी, और न्यूमेरिकल को उसी तरह से बढ़ना है ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।